सो हे गाइस, आज के वीडियो पर हम ओपी टूल्स की मदद से एंडर ड्रैगन को बीट करने वाले हैं और एक ओपी सा स्ट्रक्चर भी ढूंढने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिटरली ओनली 1.5% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। वाह, क्या सीन है। तो गाइज, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लिटरली फ्री होता है। हाँ हाँ, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसी को दबा दीजिए। सबसे पहले हम वुड तोड़ देते हैं यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर वुड तोड़ने के बाद अब वक्त हो चुका है कि हम क्राफ्टिंग टेबल के अंदर बना ले एक पिकैक्स, और यहाँ पर हम स्टोन लेने के चलते हैं ताकि टूल बना पाएँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने बेसिक स्टोन के टूल्स बना लिए हैं और एक फर्नेस भी बना लिया है। तो अब वक्त हो गया कि हम यहाँ पर विलेज के अंदर है। तो विलेज के अंदर बेसिकली मैं इसलिए आया था ताकि यहाँ पर हमें पोटैटोज़ मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर ये ईजीच रहेगा ना खाने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ विलेज के अंदर आया था। और हाँ, हमें इन्हें उबालना है ताकि हम अच्छे से खा पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो पे हम क्या करने वाले वो बता देता हूँ। तो यहाँ विलेज पर एक चेस्ट मिलने वाला है जिसके अंदर वो चीज़ है जिससे हम ढूंढ सकते हैं। A few moments later. तो गाइस, यहाँ पर बहुत देर से चेस्ट ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे को रून पोर्टल मिल गया। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, रून पोर्टल के अंदर भी चेस्ट होता है शायद, उसमें मिल जाए। तो मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। ओपी, तो यहाँ पर हमें मिल चुका है, लेकिन बाकी जो चीज़ें मैं उन्हें ले लेता हूँ, शायद काम आ जाए। और ये है, ये कंपास, इसका नाम ओपी लूट लिखा हुआ है। एक मिनट, मैं ठीक से देखा नहीं क्या, कंपास का नाम ओपी लूट ही है। और हाँ, ये कंपास वहाँ ही पॉइंट करने वाला है जहाँ पर हमें ट्रेजर मिलेगा, मतलब ओपी लूट। तो यहाँ पर हमारे सारे पोटैटो बॉयल हो चुके हैं, तो मैं उन्हें ले लेता हूँ। बाकी को भी रुकता हूँ, इंतज़ार करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर थोड़े समय वेट करने के बाद हमारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई और थोड़े बहुत आलू और मिल चुके हैं। तो हम सीधा सीधा जाने वाले जहाँ पर कंपास पॉइंट कर रहा है, हम उसी साइड जाने वाले। तो कंपास एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो हमें उसी साइड चलते हुए जाना है। और गाइस, मैं आपको बता दूँ कि मैंने स्प्रूस का बोर्ड भी बना लिया, क्योंकि शायद रास्ते में पानी आ जाए तो हमारा काम बन जाए आसानी से। तो ठीक है गाइस, यहाँ चलते चलते टाइम पास करते करते मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लिटरली फ्री है। तो गाइस, यहाँ पर कितना दूर चलते चलते यार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और मेरे को कुछ रास्ता ही नहीं मिला। तो मैं सोच रहा हूँ मैं पेड़ के ऊपर जाता हूँ, तो मैं इसे तोड़ देता हूँ और अब इसके ऊपर चढ़ूँगा। अरे चढ़ने देना नहीं। अरे भाई यार, चल ठीक है, मैं ले देकर चढ़ ही गया। तो अब मैं ये वाले लूप को भी तोड़ देता हूँ और इसके ऊपर कूदता हूँ। और अब मैं यहाँ से अच्छी से जंप मारने वाला, ये और यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक जंप, और वहाँ पर ओपी वाली जंप मारूँगा। और भाई जब क्या है यार, ठीक है वापस से हम सीधे जाएंगे। इस लीव को भी हटा देता हूँ, अब इसके ऊपर ओपी। तो गाइस, बहुत ज़्यादा ब्लॉक आगे जाने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। और एक मिनट, इसको तोड़ देता हूँ मैं। और वेट, वो क्या चीज़ है वहाँ पर? ओहो, वो तो कोई अच्छा चीज़ लग रहा है, वो भी कोई स्ट्रक्चर लग रहा है मेरे को, कहीं ये उसी साइड पर पॉइंट नहीं कर रहा। तो हम एक बार जाते हैं वहाँ पर। तो जैसा मेरे को लगा था, बोट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी ही। तो हम यहाँ बोट पर बैठ जाते हैं और थोड़ा सा उसके पास जाने का ट्राई करते हैं। हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही आगे चल जाते हुए लेकर जाते हैं। मेरे ख्याल से ये जगह अच्छा रहेगा बोट को डालने के लिए, और ये जगह बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं बोट से उतर जाता हूँ और बोट को भी वापस ले लेता हूँ, शायद ये आगे में काम आ जाए। चलिए वापस ऊपर आते हैं। अरे यार, इसको ऊपर जाने में कहीं 2000 साल लगे हैं क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए चलते हैं। 2000 years later. तो गाइस, इतना 2000 साल के बाद मैं यहाँ ऊपर चढ़ चुका हूँ, और ये रहा वो स्ट्रक्चर। तो मैं गलती से स्ट्रक्चर के पीछे आ गया। इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं भाई। ओ भाई, तो ठीक है गाइस, ओपी, ये रहा चेस्ट। तो गाइस, ये है वो चीज़, शायद ये वही चीज़ है कि मेरे को लग रहा है कि वही चीज़ है। एक बार हम बो को ले लेते हैं और ये बाकी एरोस्कोपी। तो बो पे फ्लेम इन्फिनिटी और पावर 5 लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्राई उसके ऊपर करते हैं, पिक के ऊपर। बड़ा हरामी हो बेटा। तो ये ले। अरे निशाना क्यों नहीं लग रहा भाई मेरा? एक काम कर, तो अब निशान लगा। तो 1, 2, 3। बड़ा हरामी हो। ठीक है भाई, ये मिल गया। और सबसे बेस्ट फ्लेम की बात यह है कि हमें कुक्ड खाना ही मिलेगा अगर हमने किसी एनिमल को मारा है। तो मेरे कहते कंपास अभी भी उससे पॉइंट करता, तो हम उससे आ जाते हैं। और वेट, वो क्या चीज़ है वहाँ पर? चलिए हम वहाँ पर चलते हैं। तो गाइस, थोड़ा जल्दी करते हैं।
तो गाइस ये चीज़ है वो। और एक मिनट, रोटी एंटीज बना है। ओ उस पर तो क्रीपर का बैनर लगा है। अच्छा तो यही वो सीक्रेट स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैंने सुना था। तो शायद ये क्रीपर टावर है। अच्छा वहाँ पर क्रीपर ही दिख गया। हाँ ये क्रीपर टावर ही है। और ये ले, मेरे पास आके फटेगा तो उस रास्ते भी फाड़ दूंगा। वहाँ पर भी एक क्रीपर है, उसे भी मारते हैं। और ये ओपी सा स्ट्रक्चर, इसे जाने के टाइम हमें एक बार ब्लास्ट करेंगे। तो हम उस चेस्ट की तरफ चलते हैं जो मैंने रास्ते पर देखा था। तो मैं अपना सामान खाली कर लेता हूँ। ओपी, तो हम आ चुके चेस्ट के पास और इसे खोलते ही वाह, यहाँ पर आइस ऑफ एंडर है, यहाँ पर टॉर्चेज भी लगी हुई हैं, और यहाँ पर ये पोशन, स्प्लैश पोशन ऑफ नाइट विजन, और ये है डायमंड जिस पे अनब्रेकिंग जीरो का एन्चेंटमेंट लगा। ऐसा कैसे होने लगा। तो ठीक है, हम इसे ले लेते हैं और इसे क्लिक करते। अरे कुछ होता क्यों नहीं, अरे होना। तो गाइस अभी पता चला कि हमें इसे डेकोरेट करना पड़ेगा ताकि ये वर्क करे। तो मुझे गलती हो गई थी। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से रखने और इसका लॉक का इस्तेमाल करते, लॉक को इस तरीके से साइड में फैला देते हैं। तो शायद अब ये वर्क करने लगेगा। मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ। और गाइस इंतज़ार करने पर अचानक से पॉपअप हुआ, मुझे ये चेस्ट मिला जिसके अंदर है ये ओपी टूल्स। तो यही वो टूल्स है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। इन पर एन्चेंटमेंट्स, तो देखिए क्या ओपी ओपी एन्चेंटमेंट्स लगी हुई है। ओ इन्हें पूरा पहन लेते हैं हम। और पहनने के बाद तो वक्त हो चुका है कि हम आगे के चीज़ों को भी थोड़ा देखें। तो ये तो एक नंबर चीज़ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उस वहाँ पर कोई कैसल टाइप का है। तो यहाँ कैसल के पास हम आ चुके हैं। अब ये किस तरीके का है, एक मिनट, यहाँ पर सीढ़ी भी है। तो सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। और यहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो वक्त आ चुका है हम इसे फोड़ डालें। और ये मेरा बो और ये खेल ख़त्म। ओपी, देखने में तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मेरे को लग रहा है गेम थोड़ा लैग हो जाएगा। तो गाइस ये रहा तबाही, कैसल बेचारा भी बर्बाद हो गया साइड पर। तो मेरे को लग रहा है इस चेस्ट के अंदर जो है हमारे आईस ऑफ एंडर, हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो गाइस निकालने के बाद मैं यहाँ पर आया इतना दूर तक, फिर मेरे को ले देकर यहाँ पर मिल ही गया। ये कहाँ जा रहा है? तो ये जा रहा है जमीन के नीचे। एक और फेंक कर देखते। अरे मैं ही नीचे फेंका गया। तो गाइस वो यहाँ पर पॉइंट किया, तो हमें यहाँ स्ट्रेट अप डिक करना है। तो हम यहाँ सीधा डिक करते। और अरे ठीक है, यहाँ से सीधा हम नीचे डिक कर। ऐसा लग रहा है जैसे क्रिएटिव पर डिक कर रहा हूँ, इतना डैमेज भी खा रहा हूँ भाई। तो गाइस ये हम आ चुके हैं सीधा एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास आ चुके हैं। मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग होल्ड का जगह है, यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं टॉर्च ले लेता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है यहाँ पर। और ये, अरे भाई क्रीपर, क्रीपर मत फटना भाई, ये ले। तो गाइस मैंने गलती से रिकॉर्डिंग बंद कर दिया यार। और हम यहाँ, मैं पोटा को रिकॉर्ड करना भूल गया। और हम आ चुके हैं एंड के अंदर। तो यहाँ एंड के अंदर आने के बाद अब वक्त है हम एंडर ड्रैगन को फाइट लें। तो सबसे पहले मैं इसे मारता हूँ। मर जा, अरे यार मर क्यों नहीं रहा है एंडर मैन। तो गाइस एक एंडर मैन की हत्या करने के बाद अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। तो वक्त हो चुका है हम कुछ क्रिस्टल्स भी फोड़ डालें। A few moments later. तो गाइस यहाँ कुछ क्रिस्टल फोड़ने के बाद मुझे पता चला कि भाई हम शॉट की वजह से तो ऐसे ही मार सकते हैं। और ये भाई मजा आया। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।